Hey everyone, welcome back. मैं हूँ जो, ये है श्रुत, और मैं हूँ श्रुत, यो। और आज जिनके साथ हम हंसने वाले हैं वो हैं अभिषेक उपमान्यो। ये बैकग्राउंड में तालियां। This one should be fun. Marriage, Indian English, and Indian English, and 2019 tour announcement. And in his आवाज, I am 1000% sure it's going to be quite hilarious. हाँ, so चलो, चलो, let's do it. 1, 2, 3, play. But उन्होंने फिर ऑफ कोर्स निकाल दिया और मैंने भी छोड़ दिया। हाँ हाँ ठीक है, बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ, मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहाँ से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें नौकरी चली गई। मैं कहा फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए, तुमने ऐसे टेंशन में, तो कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ एक बार देख लो बस, दलाल जैसी बातें नहीं। पापा नहीं अच्छा लगा जो किया बना। मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, चार दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया, दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोल देने पापा को, वो काम छोड़ चुके हैं अब। कोई चक्कर नहीं, हाय, मैं आप लोग अपने बाल नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत गंदे लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, पहले तुम वीडियो देख लो, ये तुमसे एक बात करनी जो मैं वीडियो के बाद कर लूँ, वीडियो देख लो पहले, कोई बात नहीं। Brother sahab, like padhai, see, I still can't read. I mean, I can read, but I don't like to read. A lot of people read books and everything. Like, मेरे बहुत सारे comedians बोल रहे हैं, वो गवार कर ले जरा ठीक है, पढ़ाई कर ले, बहुत जरूरी है reading. Reading बहुत जरूरी, like books. मैंने बहुत सारे videos देख ली, why reading is important. तुमने कहा सच में, पर मुझे उससे कोई, मैं कहा जो like empathy, मैं कहा चाहिए नहीं जो भी है, बहुत कुछ था। बट मैं तो बोल रहा हूँ, डू इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। मैं कहा 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होते। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफ़ी नहीं है, उस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनेनम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग, आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाता है? और तू जो उल्टी कर रहा है मुझे इंग्लिश सिखा रहा है। चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया, बोर हो गए इस वर्ड से, ये कौन है, ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट, यार 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ, क्या दोबारा वॉमिट सुन लिया ना वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड, कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से, पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। पता वो भी काफी नहीं है, प्रोनंसिएशन पता कर लो, प्रोनंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी, कोई फायदा नहीं आपका, सारी आपने बात क्या की है इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी, क्या क्या बोला तूने, मैं कहा रिसिप्ट रिसिप्ट, क्या रिसिप्ट होता गवार, मैंने गलती बोला था, तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था, जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया ना रिसीट बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं, और जब पता लग गया क्या, ले पता ये बंदा फिर भी ठीक था क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवाह, ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दी आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट
somebody then and there. कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज. नहीं तो क्या करते हैं, वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने, तो इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ये ऐसे था. जैसे वो पार्टी में तुझे रिसिप्ट दी क्या, हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी. अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली. कहाँ है रिसिप्ट, रिसिप्टे कहाँ है रिसिप्टे. आप पता है मैं बाद में सोचा था प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, मतलब बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए तो वर्ड पहुंच जाएगा. ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी. शुरू में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बोला देखो भाई हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती है, हम बताते हैं कैसे बोलना, ठीक है सारे बैठ जाओ. हाँ हैरिस होता है हैरिस, अमेरिकन कहते हैं हम हरास बोलेंगे. क्यों नहीं हैरिस होता है, हैरिस होता है ना, जल्दी चेक करो. हाँ हैरिस होता है, हैरिस बोलो, हम हरास बोलेंगे. क्या कर लोगे. नहीं नहीं हमने इंग्लिश बनाई है, बहुत दिन से लगे हुए थे, प्लीज यार. तो अमेरिकन कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हर ऐसी बोलेंगे जो खाना हम जा रहे हैं. अमेरिकन इंग्लिश होती है, क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला और उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही. इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे, अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडली और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में, आप जो मर्जी बोलते रहो. बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है, जो पोटैटो पोटैटो पुटो टू, इट डजंट मैटर. कोई रूल मानने की जरूरत नहीं आपको. CAT डॉग माचो आ गया. होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है. नहीं अच्छी लगी तो अगली बार फिर से ट्राई करेंगे. पर अगर आप लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में नहीं रहते तो इस वीडियो आई हैव साइलेंटली एंड नॉट सो साइलेंटली करेक्टेड पीपल्स प्रोनंसिएशंस एंड ग्रामर. माय लॉजिक सी हिज लॉजिक इज साउंड, मेजॉरिटी डिसाइड्स द प्रोनंसिएशंस, ओके फाइन इट मेक्स सेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे माय लॉजिक इज द इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंग्लिश, इट्स देयर लैंग्वेज. And the people whose language it is, they know the pronunciation correct, right? Because they created that language. So I defer to all the British and English pronunciations for myself. And generally just, you know, I feel like I can't say route. Yeah. I can't say route. It's route, right? Yeah. I can't say aluminum. I will say aluminium. Right. The British have created this language, is their thing. Let them. I will not go to a Spanish person and tell him how to pronounce a Spanish word. Right. Correct. Because it doesn't roll off my tongue easily or whatever. No, I'll make the effort to make sure it rolls off easily and in the correct way. So anyway, that's my thing. No, so the good thing is that we can do whatever we want because we are not British and we're not American. So, like, you know, it's easy to get away with a lot of things. Like how, you know, in voicing, pehle I used to be very, very strict about my diction, my language, because I come from a school jahan pe us cheez ko bahut zyada wo, you know, they used to drill it in our head. Yes. And if you went a little off, oh my God, like your life would be hell for like a couple of days, you know. There's like social boycott used to happen. Like, my God, oh, she didn't know how to speak this and all that. Like everyone was too proper. So what happened is in voicing, I slowly learned the importance of mispronouncing. Because many times to do characters, you need to know how to mispronounce a word. So meri sabse badi fight hoti thi schedule and schedule mein. Because schedule and schedule both are correct. But both are like, you know, it just depends on what language you're following and what you're supposed to say. So now I've started dividing as per client. Client kahan based hai, uske hisab se English bol do. And you know, whatever. Yeah. Language, you know. No, I agree that those separations and demarcations have happened. And it's a completely different ballgame when you're playing a character, whether it's for an audio series or audiobook or a film or acting. You have to go into that area's accent and the way they pronounce things. Yeah. But in general, when you're speaking like a normal human, not playing a character or not playing a role, then I think
think because even I grew up on British English, that's what we were taught in school. So it's only when I landed in the US for uni that I realized, what are people saying here? Why are they pronouncing things wrong? And like, and you know, you won't believe it, even scientific terms in my class, classrooms, people were pronouncing differently. And I was like, listen, ye thoda zyada ho gaya. But anyway, theek hai, language ka. But 100% agree. I really like that he brought up the whole thing about that, how the pronunciation has become, the diction of anything has become such a huge point ki basic communication ho rahi hai na. So that whole receipt and receipt wala joke that he marod, ki communication to ho rahi hai na. So why then one has to become like this whole grammar corrector and go into that zone ki agar aapne sahi nahi bola to aap puri tarah galat hai. Yeah. Hai na? But see, like, I think... acceptance. I think this also stems from the whole inferiority complex that is very unnecessary. I'll tell you something, a personal experience. When I landed in Spain to live and study, I had to start learning Spanish because you can't survive without Spanish, right? So you have to pick up at least basics, whatever. I picked up the language. And while I would converse with people, I would make a lot of mistakes, you know, even whether I'm buying something in a supermarket or meeting someone new and just having a basic hi, hello with them. I know later on, because afterwards in class, I would learn those things and be like, oh, no, when I spoke to that person, I made so many mistakes, right? But it was never, there was never an attitude of, oh, my God, you're unpaired and you don't speak our language. People are so warm and so nice. Because it doesn't matter that you are saying something grammatically wrong to me. I'm still understanding what you're saying. You're trying to speak my language and I appreciate that already. So I think that is what is missing in a lot of Desi people. They look down upon people who don't speak English. But they look down on other Desis. They look down on other Desis. They don't look down on foreigners. If foreigners are trying to speak into a Desi language, they'll be more than happy. Like, you know, they'll be very happy. But it's to fellow Desis who don't know how to speak English, say. And they are the ones who get a lot of grief. Yeah, which I think is very ridiculous because it's a very colonial hangover types. In fact, when I started learning Spanish, because the translations were happening to English, I was realizing that Latin languages are very more like deep and expressive. And even their structures are so much more complicated than English. And in comparison to those, Hindi is 10 times more. My mother tongue is 10 times more deep and insightful. And uski vocabulary itni extensive hai. And also in high school, I'd learned Arabic, 4 years of Arabic. Mm-hmm. So even in Arabic, there are even more complications than Latin languages in terms of gender and tenses. And so I was like, out of all these languages that I've been exposed to in life, English is the most basic, you know? So I don't consider it a amazing feat. Agar mujhe achhi English aati hai, wo to bahut basic language hai. Agar aapki Hindi achhi aur shudh hai, I think you're a supremely sort of well-read, learned person. Your English doesn't define who you are. So this whole looking down upon someone because they mispronounce something or because English mein thode weak hai, is get that out of your head. Get over it. Get over it. They speak a much more complicated language, which is their mother tongue. You know, so in terms of communicating or in terms of being an intelligent human, they are no lesser than anyone else. That's all I feel you know. But he, now that whole topic we have discussed, his set, and he's seamless. He's amazing. So now I'm going to tell you andar ki baat. Ye wala set maine aadha dekha hua tha. And because I remember when I started watching it, I wanted to keep stopping. And I was like, nahi, mujhe nahi dekhna, mujhe nahi dekhna. Let's watch this with Jojo. But then he was so funny that one joke led to another. And at one point, I had to physically just I had to just walk away and be like, I will just stop it. I will not watch it. So, maine aadha dekha hua tha and aadha nahi dekha hua tha. Well, so, I was like, you know, when it started, I was like, oh. That vomit. But he's damn funny. He's damn funny. Ho gaya. Nobody sent me the memo. It's his reactions. Like, ek bahut hi normal cheez jo humne bhi suni hogi, sochi hogi. But it's the way he picks on it. And to rehne do. I must say, I think, who was I telling this to? People have started using no cap. And I'm like, no lie hi bol do. Or type bhi wohi kar do, kyunki cap aur lie mein teen hi letter hai. It's not like extra effort lag raha hai, ya effort kam ho gaya. So now everyone says when they want to say no lies, they say no cap. No cap, yeah. Kab ye change hua?
I had no idea. Even I didn't get the memo. So I'm neither did I. Yeah. Totally feel him. Nicely done. Very good. Yes. So chalo, we will get to more of his stuff because we are loving him. And yes. On that note, we will see you in the next one. Check out Ms. Bhola's YouTube channel.